नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मऊगंज विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना ने अपने रीवा निज निवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं पत्रकार रामानंद पांडे के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से सवाल किया कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे के द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारी के साथ गाली गलौज की गई थी, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? अगर पत्रकार के खिलाफ कोई प्रूफ था तब FIR दर्ज करानी चाहिए थी, और अगर कोई प्रूफ नहीं था तो बिना निष्पक्ष जांच किए कैसे FIR दर्ज कर दी? श्री बन्ना ने उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर साथ ही FIR को निरस्त करने की भी मांग की। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि जिले में दो कानून चल रहे हैं, सत्ताधारियों के लिए अलग, आम जनता और पत्रकारों के लिए अलग। श्री बन्ना ने कहा कि सत्ता के दबाव में आकर पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने पर सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी ने भाजपा के युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष से झूठी शिकायत करवाकर पत्रकार रामानंद पांडे के खिलाफ चौराटा थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि खबर दिखाने से पहले 5 लाख रुपयों की मांग की गई थी, जो ना देने पर खबर दिखाई गई है। जबकि शिकायतकर्ता के द्वारा जिस समय उनके पैसे मिलकर मांगने की झूठी शिकायत की गई है, उस समय पत्रकार रामानंद पांडे अपने घर में परिवार के साथ मौजूद थे, जिसका CCTV वीडियो पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। इतना ही नहीं, मोबाइल लोकेशन की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि निष्पक्ष रूप से अगर जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगातार अत्याचार हो रहा है, अब किसान विरोधी सरकार है। पहली अभी किसान विरोधी मांगे पूरी कर ली गई, तो क्या मानते हैं, चुनावी फंडा है या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, चुनावी फंडा हम उसे इसलिए नहीं कर सकते कि अगर उनको अपने चुनावी फंडा या और सब सारी बातें होती तो वो पहले ही मान लेते, लेकिन वो पूरी सतह से दबाव में आ गए, डर गए, आइए जान गए कि मतलब हम भारत का किसान पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकारा। और चुनाव भी उनकी डर था कि अगर ये बातें रही आएगी तो 5 राज्यों के चुनाव पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये वापस लिया। UP चुनाव में अभी जो वादे किए जा रहे हैं कि हम 18,000 रुपये दे देंगे, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, एक दौड़ सी मची हुई है, तो क्या चुनाव का स्तर यही रह गया है? देखिए, हम और पार्टियों की बात नहीं करें, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं हर पार्टी का अपना अपना घोषणा पत्र, कौन पार्टी पूरी करती है, कौन पार्टी नहीं पूरी करती। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपये हर व्यक्ति के खाते में भिजवाएंगे। क्या वो 15 लाख आए? कई उन्होंने ऐसे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो चीज़ नहीं। उन्होंने क्या दिया? नोटबंदी दिया। उन्होंने क्या दिया? बेरोजगारी दी। उन्होंने क्या दिया? काले धन वापस आए। ये सब कोई काम नहीं हुए, सिर्फ भारत की जनता को उन्होंने किसी न किसी माध्यम से लूटने का काम किया। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने 70 साल देश में कहीं न कहीं रही प्रधानमंत्री के रूप में, सबने अपने अपने जो वादे किए थे, हर प्रधानमंत्री अपने वादे को पूरा किया, कांग्रेस का हर मुख्यमंत्री अपने वादे को पूरा। आपको कहिए तो मैं उदाहरण सहित बताऊं कि जब जब कांग्रेस की सरकार बनी, जो भी उनके घोषणा पत्र में होता था सब पूरे होते। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की भी सरकार बनी, उन्होंने कहा किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, जैसे ही शपथ समारोह हुई उस दिन से चालू हुआ। तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो घोषणा पत्र बना हुआ है कांग्रेस का, अगर वहाँ कांग्रेस सरकार बनती है, जिस दिन से सरकार बनेगी शपथ होगा, उसके बाद से घोषणा पत्र अमल होना शुरू हो जाएगा। ये मैं एक छोटा कार्यकर्ता आपसे वादा करूँगा आपके सामने। और उसमें लाइन लगी हुई है, आज भी आप चले जाइए, ट्रैक्टर धाने लगी हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ लगातार अत्याचार कर रही है। मवेशी आप जाइए देखिए, चारों तरफ घूम रहे हैं, गौशाला कहीं संचालित नहीं है, बड़े मुश्किल से खेती किसानी करके जैसे भी तैसे करके किसान लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती न सही रेट मिल पा रहा है, और न ही समझ लीजिए कि समय से उनकी खरीदी की गई, न पैसे मिल रहे हैं। आज भी बहुत सारे किसान वंचित रह गए, और मैं समझता हूँ आज लास्ट डेट है। देखिए, आगे सरकार को समय बढ़ाना चाहिए, तब जाके के किसानों की धान हो सकती है, नहीं किसी तरीके से किसान बर्बाद हो रहे हैं। धान खरीदी में भी बड़े खेल हो रहे हैं, अभी रीवा में पकड़ी गई है धान, वो जो 2-4 साल पहले पुरानी धान थी उसको नया करके किसानों के नाम से बेचा जा रहा था, किसान भी शामिल था उसमें। देखिए क्या है, स्वाभाविक है कि लालच में आकर के थोड़ी बहुत
लेकिन जो यहाँ पे मिली भगत अधिकारी कर्मचारी करते हैं, अब उसका भुगतान जो सचवे किसान हैं उनको भोगना पड़ता है। किसान पीछे हैं, अब व्यापारी आगे, अब ये मिलजुल करके बड़ा खेल हो रहा है। अब किसानों की किधर आज भी लाइन में लगी हुई है, उनका कहीं अभी नहीं, कुछ लोगों की हुई है, बाकी लोग लाइन लगाए। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात कहना पड़ रहा हूँ कि जो ये घटना घटी, पत्रकार पर फर्जी अपराध दर्ज हुए बगैर जांच के, मैं रीवा के एसपी और कलेक्टर सब प्रशासनिक अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब विधानसभा के अध्यक्ष के बेटे टोल के मैनेजर या उन टोल के कर्मचारियों के साथ अभद्रता किया, उसका ऑडियो जारी हुआ, तो किस थाने में FIR दर्ज किया गया? उसमें तो साक्ष भी थे। तो हमारे कहने का मतलब दो कानून चलेंगे। अगर पत्रकार है कमज़ोर है, जबकि पत्रकार चौथा स्तंभ होता, आम जनता की क्या हालत होगी, इससे सोचने का विषय है। जहाँ रसूखदार दबाव और ऐसी चीज़ों की बात आ जाती है, वहाँ पे FIR की बात नहीं। ये कहा जा रहा है माफ़ी मांग ली, सारी चीज़ पे कहीं FIR नहीं, इसमें बिना जाँच के आपने अपराध दर्ज किया। अगर पत्रकार दोषी है तो उसकी विधिवत जाँच होनी चाहिए, अगर कोई ऑडियो वीडियो वायरल है उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अपराध दर्ज करना निश्चित रूप से ये दबाव में अपराध दर्ज किया। राहुल गौतम का कहना है कि माफ़ी मांग ली है और कोई पुलिस मानती है कि कोई उनके खिलाफ शिकायत लेकर निकलता, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांग ली, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ये सब बात का बतंगड़, समझ गए ना, मामला पुराना हो गया, ये हम कह सकते हैं, बशर्ते जब FIR कोई सुना नहीं, उनको भी फ़ोन करके दबा दिया गया, सारी चीज़ें हो गई, वो मामला दब गया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।